जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक बारवे पटधर आचार्य प्रवशी पार्श्वचंद जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवशी गुणनचंद जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव प्रवचन प्रभावक डॉक्टर श्री पदमचंद जी महाराज साहब के आज्ञा से उनकी शिष्याएं जेपीपी जैन समनी डॉक्टर सुयश निधि जी और समनी सुयोग निधि जी आपके समक्ष उपस्थित है। आज हम सब जानते हैं कि आज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है, यानी शाकाहार दिवस। विश्व के अंदर एक दिन वेजिटेरियन डे मनाना यानी सिर्फ एक औचित्य रह जाता है, लेकिन हमारा आपके लिए आह्वान यही है कि शाकाहार जीवन के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि हमारे शरीर की रचना, हमारे दांतों की रचना भी शाकाहार के लिए ही बने हुए हैं। तो अगर साइंस के हिसाब से भी देखा जाए तो वेजिटेरियन फूड हमारे लिए बेस्ट होता है। और ज्ञानी जन ने ये भी कहा है, रिसर्च भी कहता है कि शाकाहार भोजन से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक जो फ्रिक्वेंसीज होती है, मेंटल एबिलिटीज़ होती है, उसको भी बहुत अच्छे से कर पाता है और डाइजेशन भी हमारा इम्प्रूव हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे संशोधन है जो वेजिटेरियन फूड के लिए सपोर्ट करता है। और आज के ज़माने में वीगन की ओर भी लोग जा रहे हैं, यानी वेजिटेरियन का ही और प्योरिफाइड फॉर्म है। तो हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं आज के इस शुभ अवसर पर कि आप सब भी वेजिटेरियन फूड को प्रमोट करें, शाकाहार के लिए आगे बढ़े, क्योंकि धर्म तभी शुद्ध हो सकता है जब हम सात्विक भोजन करेंगे, क्योंकि जहाँ सात्विक भोजन होगा वहाँ पर विचार भी सात्विक होंगे। तो सात्विक विचार रहेंगे तो संघ समाज परिवार भी सात्विक रह सकता है, संघ की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी, और जब व्यक्ति उन्नति करता है, संघ समाज उन्नति करता है, तो देश भी तरक्की करता है। तो चलिए हम सब मिल करके देश की उन्नति के लिए भी, हम अपने आप को भी उन्नति की ओर आगे बढ़ाने के लिए शाकाहार भोजन का अनुसरण करें, उसे स्वीकार करें और वेजिटेरियन फूड को प्रमोट करें। थैंक यू। जय जिनेंद्र। 1 अक्टूबर को जागतिक शाकाहार दिवस मनाया जाता है। रतनलाल सी बापना जो शाकाहार के प्रणेता है, 4 साल से यहाँ प्रेरणादायी व्यवहार कर रहे हैं। आदरणीय रतनलाल जी बापना, यह हमें बहुत अच्छी प्रेरणा देके गए हैं। शाकाहार दिवस में आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहें। शाकाहार हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो JYF की इस रैली से हम सब जुड़े, इसके लिए आप सभी का स्वागत है। तो हम सब जुड़ते हैं, सभी इसमें सहभागी हुए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। स्वरूप कुमार लुंकड़, जलगांव संघ से मैं बात कर रहा हूँ। शाकाहार रैली जो आने वाले 1 अक्टूबर शनिवार सुबह 7:30 बजे सागर पार्क जलगांव में से शुरू हो रही है और पूरे जलगांव शहर में घूमकर फिर से सागर पार्क पर समापन होने वाला है। यह शाकाहार रैली श्री रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स इनकी ओर से प्रायोजकता है और इसी अच्छी तरह से खूबी तरह से निभा रहे हैं जैन युवा फाउंडेशन के पूरे साथी। जैन युवा फाउंडेशन अपने आप में एक हर साल यह रैली आयोजित करता है, एक सुंदर रैली होती है, कभी पैदल, कभी भागकर, दौड़कर, कभी साइकिल, कभी इस साल अभी उन्होंने मोटरसाइकिल रैली रखी है। यह बहुत एक अच्छी बात है नवयुवकों के लिए और सभी युवकों के लिए, यह एक प्रेरणा स्थान है। शाकाहार का जो प्रचार आदरणीय स्वर्गीय श्री रतनलाल जी वापना भाई साहब ने शुरू किए है, भाई साहब ने यह करीब करीब 40 साल पहले से यह शाकाहार का प्रचार प्रसार शुरू किया था। उनके साथ बहुत बार जाने का अनुभव आया है और यह प्रेरणा उन्होंने पूरे समाज को, हर समाज के घटक को दी है। यह बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आपसे सभी से नम्र अनुरोध है कि शाकाहार रैली में जैन युवा फाउंडेशन आयोजित और रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स प्रायोजित यह शाकाहार रैली में आप सभी अवश्य पधारे। शनिवार 1 अक्टूबर सुबह 7:30 बजे मिलते हैं सागर पार्क मैदान जलगांव पर। धन्यवाद।